गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नानी की रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी नाश्ता। ये हमने एक कटोरी आटा लिया है, ये मैंने आधा छोटे चम्मच हमने ये सोडा लिया है खाने वाला, ये हमने बेकिंग पाउडर लिया है, ये हमने नमक लिया है, हमने गरम मसाला लिया है, ये मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच हमने ये चाट मसाला लिया है, ये हमने बड़ी चम्मच आधा हमने चिल्ली फ्लेक्स लिया है, ये हमने बड़ी चम्मच एक हमने ऑयल लिया है, ये हमने थोड़ा सा खमीर लिया है। मैंने थोड़ा सा आटा भिगो के पानी में ये रख दिया था सुबह ही, तो ये हमारा खमीर बन गया दो घंटे के लिए, ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये हम लगाएंगे पानी थोड़ा थोड़ा डाल के, इसे आटे को हम गूंदेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमने आटा लगा लिया है, ये इस तरीके का आटा लगाया जैसे रोटी के लिए लगाते हैं। अब ये हमें एक घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। तो फ्रेंड हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है एक चम्मच हमने बड़ी, तो फ्रेंड हमारे ये गर्म हो गया, हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, ये मैंने 6-7 हमने लहसुन की कली ले ली थी, ये हमने काट ली छोटे टुकड़ों में। ये फ्रेंड हमारा लहसुन भून गया है, ये मैंने एक बड़ा प्याज काट लिया हमने छोटे टुकड़ों में, ये हमने मीडियम चम्मच है, ये ना बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, तो ये मैं एक चम्मच चीनी पाउडर डाल रही हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन कलर की हो चुकी है, ये एक घंटा हो चुका है हमारे आटे को। अब हम इसमें इस तरीके से कर देंगे, ये मैंने धनिया लिया है, धनिया हमने काट लिया है, ये हमने जो प्याज भुनी थी हमने ये हम डाल रहे हैं इसमें। ये को अजवाइन के पत्ते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं हेल्थ के लिए, तो ये मैंने काट लिए हैं साफ करके, ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये मैंने खसखस एक चम्मच इसी चम्मच हमने लिया था, ये तो हमने ये पानी में डाल के रख दिया था 10 मिनट के लिए, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने मक्खन को पिघला लिया था, ये हम थोड़ा सा मक्खन डाल रहे हैं इसमें। अब हम इसे इस तरीके से लगा देंगे इसमें, बहुत ही अच्छा बनेगा ये। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा तैयार हो गया लग के। तो ये फ्रेंड हम थोड़ा सा इस तरीके से आटा डाल लेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, ये हमने आटा लिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे, अब हम ये बेल लेंगे हल्के हाथ से। हम इस पे थोड़ा मक्खन लगा रहे हैं, ये मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, किनारे थोड़े से मोटे हमारे। तो हम इसमें इस तरीके से ही कर देंगे फॉर्क से। अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा दूध लगा देंगे। हमने ये कढ़ाई रखी है, अब हम इस कढ़ाई में इस तरीके से मक्खन लगा रही हूँ मैं, ऑयल भी लगा सकते हो। हम इसमें रख देंगे इस तरीके से, बिल्कुल स्लो गैस में बनाएंगे हम इसे। अब हम इसे ढक देंगे और हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे। फ्रेंड ये 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसको पलटेंगे और इसमें हम नीचे फिर से हम थोड़ा सा ये मक्खन लगा देंगे। हमने एक अंडा तोड़ लिया है, मैं इसमें थोड़ा सा ये धनिया डाल रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाली एक चुटकी, ये थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे हम बस इसमें। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे, इस तरीके से फैला दें इसे। अब इसमें हम थोड़ा सा और धनिया डाल रहे हैं, हम ये 2-3 मिनट के लिए फिर से हम ढक रहे हैं इसे। फ्रेंड ये देखिए हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे एक बस ये पलटा हम मारेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे हमने 30 सेकंड में हमारा ये बन चुका है, अब हम इसे गैस बंद कर रहे हैं और इसे हम निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया, ये बहुत ही हमने काफ़ी चीज़ें डाली हैं इसमें और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट इस तरीके से बना है, बहुत अच्छा लगेगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।